डियर स्टूडेंट अलकुम वरहुल्लि वर्का तो आज हम शॉर्ट स्टोरी बोली की पूरी कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे हर नैब और सुलेखा बोली का असल नाम सुलेखा था बट सिंस हर चाइल्ड हुड बचपन से एवरी वन बोली सब उसको बोली कहते थे द दि एक बोली एक शादी सी एक बुद्धू के नाम से सब उसको बचपन से ही पुकारते थे शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नम्बरदार राम लाल वो नंबरदार राम लाल की चौथी बेटी थी एंड शी वाज ट मंथ्स ओल्ड जब वो सिर्फ दस माह की थी शी शेड फॉलो ऑफ द दॉट ऑन हर हेड कॉट मीज बेट तो वो अपने चार पाई से वो सर के बल गिर गई शेड कॉल ऑफ दॉट ऑनर और यही वजह इट है डैमेज सम पॉट ऑफ हर ब्रैंड और उसका दिमाग जो था उसको उसके कुछ हिस्से को नुकसान पहुँच गया था डैट वॉज वाई शी रोमेंट ए बैकवर्ड चाइल्ड तो यही वजह थी कि वो दिमागी तौर पर माजूर दिमागी तौर पर पिछड़ी हुई रह गई या दिमागी तौर पर बहुत कमज़ोर रह गई क्योंकि उसके दिमाग को काफ़ी नुकसान पहुंचा था जब वो अपने बेड से गिर गई थी एंड कैम टू बी नोन एज बोली तो उसीलिए सब उसको बोली ही कहते थे यानी एक बोली एक सादी सी दिप्लीटन जो एक बुद्धू थी जिसका कमज़ोर दिमाग बहुत कमज़ोर था या मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड तो इसीलिए सब उसको सिम्प्लीटन कहते थे या बोली एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड पर्टी जब वो बोली पैदा हुई तो पैदाश के वक़्त ये बच्ची बहुत ही खूबसूरत और गोरी रंग की थी बट वन शी वॉज टू यर्स ओल्ड जब वो दो साल की हो गई तो शी एड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स उसको चींच की बीमारी का अटैक हो गया एक फंगल डिजीज़ होती है और उससे क्या हुआ शेड एंड टैग ऑफ ऑल आइज़ वर सेवर सिर्फ़ आंखें ही बच गई सारे जिसम पर उसको वो बुरी तरह इस बीमारी ने मुतासर किया था और हर तरफ़ से वो काले दबे या काले जो धाग होते हैं वो नमाया थे उसके जिसम पर वो काफ़ी बदसूरत अब लग रही थी सिर्फ अभी दो साल की थी तो ये आ, इस बीमारी ने उसको घेर लिया बट द एंटायर बॉडी वाज पर्मांटली डिस्फिगर्ड और उसकी जो उसका जो पूरा जिसम था वो अब बदसूरत डिस्फिगर्ड मीन्स वो बदसूरत या बदशक्ल अब नज़र आ रही थी अब वो वैसी खूबसूरत नहीं नजर आती जैसे वो थी बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स इन चींच बीमारी की काली दबों की वजह से लिटल स्लेक स्पीक वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकती थी टिल शी वाज फाइव पाँच साल तक ये बच्ची जो थी पाँच साल की उम्र तक बोलने के काबिल न हो सकी एंड वन एट लॉस शी लर्न टू स्पीक और जब आखिर वो बोलना सीखी जब उसको अब बोलना उसने थोड़ा सीखा शी स्टैमर्ड तो उसकी जो ज़ुबान थी वो रुक जाती थी या जिसको हम कहते हिकलाया करती थी जब जब भी वो बोलना चाहती थी तो हिकलाया करती थी तो वो अच्छी तरह से नहीं बोल सकती थी मानो कि उसकी ज़ुबान ही रुक जाती थी द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर तो बाकी बच्चे जो थे वो उसका मजाक उड़ाते थे एंड हर और उसकी नकल उतारती थी एज रिजल्ट शी टॉक्ट वेरी लट और यही वजह थी बोली बातें अब कम कर दी थी क्योंकि उसकी ज़ुबान रुक जाती थी तो यही वजह थी कि अब वो बातें ही कम करती थी रामलाल हैड सेवन चिल्ड्रन जो बोली का बाप था उसके साथ अलाद थे बच्चे थे थ्री सन्स तीन बेटे थे एंड फोर डॉटर्स और चार बेटियां एंड द यंगस्ट ऑफ दम वॉज बोली सबसे छोटी उम्र की जो बच्ची थी या बेटी थी वो बोली थी इट वाज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस तो प्रॉस्परस मीनस खुशहाल बोली ने जिस घर में जन्म लिया वो एक ख़ुशहाल घर था एक किसान का घर था देर वाज प्लान टे टू ई ईट एंड ड्रंक खाने पीने की यहाँ कोई कमी नहीं थी ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट बोली सारे जो बच्चे थे रामलाल के सिवाए बोली वेल्दी वो सेहतमंद थे एंड स्ट्रांग और तंदुरुस्त थे मज़बूत जिसम के मालिक थे द सन्स हैड बीन सेंट टू टू दी स्टडी इन स्कूल और रामलाल के जो बेटे थे तो उनको पढ़ने के लिए उसने शहर के स्कूलों में उनको भेजा था एंड लेटर इन कॉलेज और फिर कॉलेज में भी भेजा गया लेकिन वो भी शहर में पढ़ने के लिए उनको भेजा था ऑफ द डाटर्स और जो बेटियां थी राधा द एल्डेस्ट बेटियों में सबसे बड़ी बेटी राधा थी had already been married जिसकी शादी हो चुकी थी राधा की शादी हो चुकी थी the second daughter जो दूसरी बेटी थी मंगलाज had also been settled उसकी भी दूसरी बेटी की शादी तकरीबन तय कर दी गई थी and when that was done तो जब दूसरी बेटी की भी शादी तकरीबन तय हो चुकी थी रामलाल लाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड फिर एक और बेटी थी रामलाल की चम्पा डिवाइड गुड लुकिंग ये सारी लड़कियाँ अच्छी थी खूबसूरत थी हेल्दी गर्ल्स तंदुरुस्त थी सेहतमंद थी एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्टे कोई मुश्किल नहीं था राम लाल के लिए टू तो फाइंड ब्राइड क्रूम्स फॉर दम उनके लिए जो दूल्हे होते हैं दूल्हे ढूँढना बहुत आसान था क्योंकि ये बेटियाँ काफ़ी सेहतमंदी काफ़ी खूबसूरत थी तो इन तीनों लड़कियों के लिए जो पहली तीन थी सबसे एल्डेस्ट राधा थी उसके बाद मंगला थी उसके बाद चंपा थी तो इनके लिए दुल्हे ढूँढना रामलाल के लिए बहुत आसान था बट रामलाल वाज वॉज वरीड अबाउट बोली अब वो ज़्यादा परेशान बोली के बारे में था शेहड गुड लुक्स न उसकी शक्ल अब अच्छी नजर आ रही थी नॉर नॉर इंटेलिजेंस और नहीं वो अक्ल थी वो एक बेवकूफ़ लड़की थी माँ बाप के नजरों में बोली वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड बोली उस वक़्त सात साल की थी वैन मंगला वॉज मैरिड जब मंगला की शादी हो गई द सेम ईयर तो उसी साल प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपनड इन दिया विलेज एक स्कूल खोला गया उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल था द तहसीलदार साहब कैम्प तो परफॉर्म इट्स ओपनिंग सरमनी और तहसीलदार साहब जो थी वो थे वो मेहमानी खसूसी थे तहसीलदार साहब जो इब्ताही तकरीब होती है तो उसके लिए मेहमानी खुशी जो थे वो तहसीलदार को बुलाया गया था ही सेड टू तो रामलाल तहसीलदार ने रामलाल से कहा एज ए रेवनीू ऑफिस ऑफिशियल तो महकम माल के एक मुलाजिम हो यू आर द रिप्रजेंटेटिफ दौरमेंट आप एक नुमाइंदे हो आप एक नुमाइंदे हो तो यू रिप्रजेंट यूर वेज आप अपने गांव की नुमाइंदगी करते हो एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्ज़ाम्पल टू दिलेजर्स तो आपको एक मिसाल कायम करने के लिए गांव गाँव वालों के लिए तमाम गांव वालों के, के सामने एक मिसाल कायम करनी है ये तहसीलदार के वो अल्फाज थे तो क्या कहा तहसीलदार ने कैसे रामलाल को एक मिसाल कायम करनी है यू मस्ट सेंड यूर डॉटर्स टू स्कूल तो आप की जो बेटियां हैं आपको ये बेटियां जो है इनको स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए क्योंकि आप इस गांव के एक नुमाइंदे हो तो तो आपको एक मिसाल कायम करनी है आपको अपनी बेटियों को स्कूल में इनका एडमिशन करवाना है इनको भेजना है तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कल इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे थैंक्स स्टे सेफ एंड स्टे ऐट होम